आपको पता होगा कि वैज्ञानिकों ने हाल में किलोग्राम की परिभाषा बदल दी थी। हम यहाँ पर इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, हम तो यह पता करेंगे कि जब किलोवाट नहीं थे तब भी तो अनाज या अन्य वस्तुओं को तोलने के लिए कोई मापक रहे होंगे। उत्तराखंड में ऐसे कौन से मापक थे, आइए घसेरी के साथ उनकी जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे इस संदेश पर अमल करने का अनुरोध है। सब्सक्राइब कीजिए घसेरी चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए वीडियो देखने के लिए। किलोग्राम को सबसे पहले 1795 में परिभाषित किया गया था और 1889 में इसे बदला गया था। लेकिन उत्तराखंड में किलोग्राम की घुसपैठ इसके कई दशक बाद हुई। यहाँ तक कि गांवों में आज भी पुराने माप ही चलते हैं, जैसे पाव, माणा, सेर। उस समय तोलने के लिए तराजू नहीं हुआ करते थे। अनाज, तेल, घी, दूध आदि तोलने के लिए अलग से पैमाने होते थे। इस नाप तौल के लिए खास तरह के बर्तन बने होते थे और उस तौल के अनुसार ही उनके नाम भी पड़ गए। आपने सुना होगा पाथा या पाथू, माणा या माणू। ये तांबा, लोहे, पीतल, लकड़ी और बांस या रिंगाल के बनाए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी जगह पाथा या शेर एक समान रहे होंगे? नहीं जनाब, ऐसा नहीं था। उत्तराखंड में पहले अलग अलग माप के पाथा या शेर हुआ करते थे, कहीं छोटा तो कहीं बड़ा। राजा रजवाड़ों के जमाने में कर के रूप में अनाज भी देना पड़ता था और माप तौल में असमानता के कारण लाभ और हानि दोनों होती थी। इस असमानता को दूर किया था गढ़वाल के राजा अजयपाल ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 52 गढ़ों में बटे गढ़वाल को एक किया था। राजा अजयपाल ने पाथा का माप निर्धारित करवाया। इसकी शुरुआत उन्होंने तब की जब उनकी राजधानी देवलगढ़ थी। लोग उस समय सरकारी पाथा और ध्यूली पाथा बोला करते थे। इसके बाद पूरे गढ़वाल में पाथा का एक ही माप प्रचलित हो गया था। पाथा का निर्माण वही कारीगर करता था जिसको उसके माप तौल का पूरा ज्ञान रहता था। लोहे या पीतल के बने पाथे बेलनाकार होते थे। इनको सुंदर बनाने के लिए पहले इस पर नक्काशी भी की जाती थी। इन्हें टांगने के लिए कड़े भी लगा दिए जाते थे। बाद में कुछ अन्य बर्तनों ने भी माणा और पाथा की जगह ले ली। आपने सेना के जवानों को मिलने वाले सफेद मग को तो देखा ही होगा। गांवों में उन्हें एक माणी या माणू के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी तरह से वनस्पति घी या किसी अन्य सामान का 1 किलो का डब्बा शेर का रूप ले लेता है। अनाज को तोलने का सबसे छोटा माप मुट्ठी होता था, यानी एक सामान्य व्यक्ति की मुट्ठी में जितना अनाज आ जाए उतना एक मुट्ठी हुआ। कुछ लोग मुट्ठी के बजाय अंजवाल का भी उपयोग करते हैं। 3 मुट्ठी मतलब 1 पाव, इसे तामी कहा जाता था। आज भी गांव में बड़े स्तर पर बनने वाले भोजन के दौरान सरयू यानी मुख्य खान सामा शेर और पाथा के हिसाब से ही दाल और चावल बनाता है। आटा भी पाथा के पैमाने से ही दिया जाता है। बेटियों को
मायके से विदाई के वक्त दिए जाने वाले अनाज को दोण इसलिए कहा गया क्योंकि उसका वजन एक दोण यानी 32 किलो होता था। यही नहीं, पहले लोग उधार भी सेर या पाथे से नाप कर देते थे। यदि किसी को 10 पाथा अनाज दिया जाता था तो वह ब्याज सहित उसे लौटाता था, यानी वापस करते समय वह 2-3 पाथा अधिक देता था। पाथा सेर में तब तक अनाज डाला जाता है जब तक कि उसमें एक भी अतिरिक्त दाना डालने की जगह नहीं बच जाए। अब आइए सेर पाथा की इस कहानी को अब इस तरह से समझते हैं। 3 मुट्ठी बराबर 1 तामी या 1 पाव, 2 तामी बराबर 1 माणा या वर्तमान समय का आधा किलो, 2 तामी बराबर 1 माणा या यूं कहें कि वर्तमान समय का आधा किलो, 2 माणा बराबर 1 सेर या 1 कूड़ी, 2 सेर या 4 माणा बराबर 1 पाथा, 16 पाथा या 32 सेर बराबर 1 दूण या दोण, 40 सेर या 1 विशोथा या बीसी बराबर 1 मण, 16 मण या 20 दूण बराबर 1 खार, 20 खार बराबर 1 बिस्वा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब किलोग्राम नहीं था तब भी उत्तराखंड में नाप तौल की सटीक व्यवस्था थी, लेकिन बढ़ते पलायन का माणा पाथा पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। अब एक संदेश, यह आपका अपना चैनल है, आप नया वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।